Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn 5 words that tells man's types. Friends, आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे words देखेंगे जो इंसानों की मिजाज या इंसानों की किस्म बताती हैं कि इंसान इस मिजाज के होते हैं। तो चलिए friends, start करते हैं। Friends, अगर आप ये वीडियो उर्दू में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल उर्दू टू इंग्लिश बाय आलम पर जाएं, जहां आपको उर्दू वाले वीडियोज मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है लुनेटिक। लुनेटिक का मतलब होता है दीवाना इंसान या दीवाना। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह दीवाना है तो आप कहेंगे ही इज लुनेटिक। मैं दीवाना नहीं हूं, आई एम नॉट लुनेटिक। हाँ हाँ, वह दीवाना है। यस यस, ही इज लुनेटिक। आइए फ्रेंड्स, दूसरा वर्ड देखते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है टेंडर हार्टेड, कोमल दिल इंसान या नर्म दिल इंसान या नाजुक दिल वाला। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मेरी बीबी कोमल दिल वाली इंसान है या मेरी बीबी नम्र दिल इंसान है, माई वाइफ इज अ टेंडर हार्टेड। अगर आपको कहना हो मैं नाजुक दिल वाला इंसान हूं तो आप कहेंगे आई एम अ टेंडर हार्टेड। मेरा दोस्त नाजुक दिल वाला इंसान है या मेरा दोस्त नम्र दिल वाला इंसान है, माय फ्रेंड इज अ टेंडर हार्टेड। आइए फ्रेंड्स, आज का तीसरा वर्ड देखते हैं। और हमारा तीसरा वर्ड है फ्रेंड श्रीउड, बहुत तेज तर्रार इंसान, यानी वह इंसान जो दिमाग से बहुत शातिर हो, बहुत चालाक हो। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह चाणक्य बुद्धि वाला इंसान है या वह बहुत तेज दिमाग रखने वाला इंसान है, ही इज श्रीउड। मेरा दोस्त चाणक्य बुद्धि वाला इंसान था या मेरा दोस्त बहुत तेज दिमाग वाला इंसान था, माय फ्रेंड वाज श्रीउड। क्या आप चाणक्य बुद्धि वाले इंसान हो? आर यू श्रीउड? आइए फ्रेंड्स, आज का चौथा वर्ड देखते हैं। हमारा चौथा वर्ड है शोई। शोई का मतलब होता है दिखावा करने वाला इंसान या सोबाजी करने वाला इंसान। फ्रेंड्स, अक्सर आपको ऐसे लोग मिल ही जाते होंगे जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो अनीता दिखावा करने वाली लड़की है या अनीता सोबाजी करने वाली इंसान है, तो आप कहेंगे अनीता इज शोई। क्या आपको नहीं लगता विभूति दिखावा करने वाला इंसान है? डोंट यू थिंक विभूति इज शोई? मुझे नहीं लगता कि मैं दिखावा करने वाला इंसान हूं। आई डोंट थिंक आई एम शोई। आइए फ्रेंड्स, आज का लास्ट वर्ड देखते हैं। रस्पुतीन का मतलब होता है फरिश्ता के शक्ल में शैतान या साधु के शक्ल में शैतान। फ्रेंड्स, यह एक तरह की गाली है जिसको हम हरामखोर भी कहते हैं। अगर आपको कहना हो वह फरिश्ता के शक्ल में शैतान है तो आप कहेंगे ही इज रस्पुतीन। मेरा दोस्त साधु के भेष में शैतान था, माई फ्रेंड वाज रस्पुतीन। मुझे यकीन है कि आप साधु के शक्ल में शैतान नहीं हैं। आई बिलीव यू आर नॉट रस्पुतीन। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, ये 5 वर्ड्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आप इसे अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे। प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हाय गाइस, दिस इज तौकीर आलम हियर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्वेश्चन टैग्स। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि क्वेश्चन टैग्स क्या होता है और इसे कैसे ट्रांसलेट करना होता है। तो फिर चलिए सीखें क्वेश्चन टैग्स क्या है और हमें इसको कैसे ट्रांसलेट करना है या फिर कैसे बोलना है। आप मुझे जानते हैं ना, जब हम कोई ऐसा वाक्य बोलते हैं जहां वाक्य के अंत में कहते हैं ना, तो शब्द ना क्वेश्चन टैग कहलाता है। आप राहुल है ना, मैंने बोला राहुल है ना, ये जो वर्ड है ना क्वेश्चन टैग है। वह बीमार थी ना, इस वाक्य में आया ना क्वेश्चन टैग है। आप समोसे खाते हैं ना, इस तरह के सेंटेंसेस ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में यूज की जाती हैं।
यानी बोलचाल की भाषा में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत बोले जाते हैं। बोलने वाला इस तरह के सेंटेंसेस से अपना गेस और अपना आइडिया को बताता है। अपना गेस यानी अनुमान और आइडिया बताने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, और साथ ही साथ अपनी जिज्ञासा, शक या संदेह का वजह सामने वाले से कन्फर्म करना चाहते हैं या उसकी पुष्टि करना चाहते हैं। और इस तरह के वाक्य का जो पहला पार्ट होता है वो हमेशा असर्टिव या इम्पेरेटिव होता है, जबकि इसका दूसरा पार्ट हमेशा इंटरोगेटिव होता है। आइए पहले ये समझें कि क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में क्या फर्क है। क्वेश्चन एक कंप्लीट वाक्य होता है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। वही दूसरी तरफ क्वेश्चन टैग स्वतंत्र नहीं होता है, यह किसी वाक्य के अंत में जोड़कर यूज किया जाता है। जब हम किसी बात को नहीं जानते हैं तो हम क्वेश्चन का यूज करते हैं, लेकिन जब हम किसी बात को जानते हैं और हम सामने वाले से उसकी कंफर्मेशन चाहते हैं यानी पुष्टि चाहते हैं तो हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, यानी अपनी बातों को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है। इसके पहले कि मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊं, आपको ये शॉर्ट फॉर्म जानना चाहिए, क्योंकि टैग्स बनाते समय सिर्फ शॉर्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, यानी आपको इन सभी का शॉर्ट फॉर्म लिखना होगा। जैसे डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, डिड नॉट का डिडंट, हैव नॉट का हैवंट, हैज नॉट का हैजंट। तो इन सभी का शॉर्ट फॉर्म आपको आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ही यूज होता है। और मैं यहां आपको एक खास बात बता दूं कि एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एमंट नहीं होता है, बल्कि आंट होता है, यानी आर नॉट का भी आंट और एम नॉट का भी आंट होता है। ये बात आप याद रखेंगे, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तुमने उसे देखा है ना, मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, और आप ये जो ना देख रहे हैं यही होता है टैग्स। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले आप इसे ट्रांसलेट करिए, तुमने उसे देखा है। तुम का अंग्रेजी यू, और या है या ई है या चुका है चुकी है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म या हैज प्लस थर्ड फॉर्म, जो मैंने आपको पार्ट थ्री में समझाया था। हम लिखेंगे हैव। देखना का अंग्रेजी होता है सी, लेकिन थर्ड फॉर्म में होता है सीन। यू हैव सीन, उसे का अंग्रेजी होगा हिम। तुमने उसे देखा है, यू हैव सीन हिम। अब आपको इस टैग का अंग्रेजी लिखना है, तो इस न की अंग्रेजी लिखने के लिए आप अपने वाक्य का हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखिए। उसके बाद अगर पहला वाला हिस्सा सकारात्मक है यानी अफर्मेटिव है, तो दूसरे वाले को आप नेगेटिव यानी नकारात्मक करें। और अब अंतिम बात, अपने सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लिखें, और ये न का अंग्रेजी बना यानी टैग तैयार हुआ। तो इस न के अंग्रेजी के लिए आप हेल्पिंग वर्ब लिखें, और अगर ये सकारात्मक है तो उसको नकारात्मक कर लें, और उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लास्ट में लिखें। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ताकि आपको बात शानदार तरीके से समझ में आ सके। आप खाना खा चुके हैं ना, ये है हमारा क्वेश्चन टैग। चलिए देखते हैं इस वाक्य का क्या क्वेश्चन टैग होगा। सबसे पहले हम इसे ट्रांसलेट करें, फिर हम टैग को भी ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले लिखा है आप, जिसका अंग्रेजी होगा यू। चुके हैं का अंग्रेजी होता है हैव प्लस थर्ड फॉर्म या हैज प्लस थर्ड फॉर्म, यह बात मैंने आपको पार्ट थ्री में डिटेल से बताया। खाना का अंग्रेजी होता है ईट, हम लिखेंगे ईटन। और खाना को कहते हैं फूड, आप लंच का भी यूज कर सकते हैं, यानी कंडीशन के हिसाब से आप ईट के बाद लंच डिनर लिख सकते हैं। और ये वाक्य कंप्लीट हुआ, लेकिन अब हमको इसको टैग का अंग्रेजी बनाना है। तो चलिए देखिए इसका टैग क्या होगा। अगर आप इसका टैग बनाना चाहते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब आप अंदर लिखे हुए हैं आप उसको लास्ट में लिखें। उसके बाद अगर ये सकारात्मक है यानी अगर ये अफर्मेटिव है तो आप इसको नेगेटिव करेंगे। कैसे करेंगे? शॉर्ट में हैवंट, जैसा कि मैंने आपको शुरू में शॉर्ट फॉर्म बताया। और उसके बाद
इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा आप उसे लास्ट में लिखेंगे। और ये हुआ आपका टैग। टैग आपने कैसे बनाया? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट। तो हमारा पूरा वाक्य होगा यू हैव ईटन फूड, हैवंट यू। आइए दूसरे वाले को भी ट्रांसलेट करें। वह आ गया है, सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। वह को अंग्रेजी में कहते हैं ही, या है या चुका है। अंग्रेजी होता है हैव प्लस थर्ड फॉर्म या हैज प्लस थर्ड फॉर्म। आना का अंग्रेजी होता है कम, थर्ड फॉर्म में भी कम ही बोला जाता है। वह आ गया है, ही हैज कम, और यह ट्रांसलेट हुआ। अब हम देखेंगे कि टैग की अंग्रेजी क्या होगी। तो इस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है आप उसको बाद में लिखिए, और अगर ये सकारात्मक है तो टैग वाला हिस्सा नकारात्मक होगा, और अगर ये नकारात्मक है तो टैग वाला हिस्सा सकारात्मक होगा। तो अभी ये जो मेरा वाक्य है वो अफर्मेटिव है, तो हम टैग को नेगेटिव कर लेंगे, और उसके बाद हम अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे। यहां पे लिखा हुआ ही, तो आप यहां लिखिए ही, और ये इसका टैग बन चुका है। ही हैज कम, हैजंट ही, वह आ गया है ना। आइए कुछ और एग्जांपल देखें ताकि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आए। तुम सो रहे थे ना, मुझे इसको ट्रांसलेट करना है। बहुत आसान होता है दोस्तों ट्रांसलेशन करना, थोड़ा सा केयर कीजिए, आप पाएंगे कि अंग्रेजी सीखना मुश्किल नहीं है। कैसे? चलिए मैं आपको दिखाऊं करके। तुम सो रहे थे, तुम का अंग्रेजी होगा यू। अब हम पीछे चलेंगे, थे का अंग्रेजी होगा वर, और सोना का अंग्रेजी होता है स्लीप, और रहा का अंग्रेजी होता है आईएनजी फॉर्म, तो होगा स्लीपिंग। तुम सो रहे थे, यू आर स्लीपिंग। अब लास्ट में लिखा हुआ है ना, यानी टैग, तो कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे? इस ना के लिए हम अपने वाक्य का हेल्पिंग वर्ब लास्ट में लिखेंगे, उसके बाद अगर ये अफर्मेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव कर लेंगे। फिर आपको इस वाक्य का सब्जेक्ट लिखना होगा, और इतने कामों से आपका टैग बन जाता है यू वर स्लीपिंग वरंट यू, और इसका टैग बना। यानी किसी वाक्य का टैग बनाने के लिए जरूरी है कि आप उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखें, उसके बाद अगर पहला पार्ट सकारात्मक है तो दूसरे हिस्से को नकारात्मक करें, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखें। आइए इसे भी ट्रांसलेट करें। वह रो रही थी ना, वह का अंग्रेजी होगा शी, थी का अंग्रेजी होगा वॉज, रो रही थी वीपिंग। मैंने इसका ट्रांसलेट किया, वह रो रही थी, शी वॉज वीपिंग। आइए अब टैग का अंग्रेजी देखें। इस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखिए, अगर ये सकारात्मक है तो इसको नकारात्मक कर लीजिए, और इस सब्जेक्ट को आप सबसे लास्ट में लिख दीजिए। दैट्स ऑल, और ये टैग बना। अमन आ रहा है ना, चलिए इसको ट्रांसलेट करें। आप यहां पर एक चीज गौर करें कि मैंने सब्जेक्ट कोई नाउन लिखा है, जबकि पिछली बार मैंने सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन लिखा था। तो आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब हम टैग बनाते हैं तो टैग में कभी भी नाउन नहीं लिखा जाता है। टैग में या तो आप प्रोनाउन लिख सकते हैं या फिर देयर का यूज कर सकते हैं। कैसे? चलिए एग्जांपल में समझें। पहले हम इसे ट्रांसलेट करें, अमन आ रहा है। अमन को लिखेंगे अमन, पीछे से आगे को रहिए, है का अंग्रेजी इज, और आ रहा है का अंग्रेजी होता है कमिंग, अमन इज कमिंग, और ये मेरा ट्रांसलेट हुआ। अब हम न का अंग्रेजी लिखेंगे, तो न की अंग्रेजी के लिए क्या करेंगे, हम अपने वाक्य का हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखेंगे, और अगर ये सकारात्मक है तो इसे आप नकारात्मक कर लीजिए, और आप ऐसा शॉर्ट फॉर्म में ही करेंगे, यानी आप इज नॉट नहीं लिख सकते, आर नॉट नहीं लिख सकते, एम नॉट नहीं लिख सकते, हैव नॉट हैज नॉट आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको शॉर्ट फॉर्म का ही यूज करना होगा। अब पहले वाले पार्ट में जो आपका सब्जेक्ट है उसको बाद में लिखिए, तो आपका सब्जेक्ट कोई नाउन है और टैग में कभी नाउन नहीं लिखा जाता, तो आप क्या करेंगे? अगर वो मेल है तो आप लिखेंगे ही, अगर वो फीमेल है तो आप लिखेंगे सी, अगर ज्यादा लोग हैं तो आप लिखेंगे दे,
अगर कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई नॉन लिविंग नाउन है तो आप लिखेंगे इट, क्योंकि टैग में सिर्फ प्रोनाउन या देयर ही लिखा जा सकता है। तो अमन किसी लड़के का नाम है तो हम लिखेंगे इजंट ही, अमन इज कमिंग, इजंट ही, और ये ट्रांसलेट हुआ। आइए इसको भी करें, रेखा बीमार है ना, सबसे पहले लिखिए रेखा। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहला वाला का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, बाद वाला का अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, और बीच वाला का अंग्रेजी तीसरे नंबर पर। है का अंग्रेजी होगा इज और बीमार का अंग्रेजी होगा इल। आप सोचेंगे कि मैंने पहले वाले वाक्य में कहा सबसे पहला वाला का अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, फिर पीछे से आगे की ओर आइए, और मैंने यहाँ बताया सबसे पहला वाला का अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, बाद वाला का अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, और बीच वाला का अंग्रेजी तीसरे नंबर पर। तो अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो फिर आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो शायद आप कंफ्यूज होंगे। मैं आपको बताऊं कि मैंने दो ट्रिक बनाया है जिसके मदद से आप बड़े आसानी से अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे, और पहला ट्रिक जो मैंने आपको ऊपर बताया और दूसरा ट्रिक मैंने आपको नीचे बताया। अगर आप इस ट्रिक के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप पार्ट 2 से 20 तक देखिए, जहां आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो रेखा बीमार है, रेखा इज इल, और यह वाक्य कंप्लीट हुआ। अब हम इस न का अंग्रेजी लिखेंगे। जैसा कि अभी तक मैंने आपको कहा, इस न की अंग्रेजी लिखने के लिए आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए, लेकिन आपको यहां मैं एक खास बात बताऊं कि इस वाक्य में कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जी हाँ, यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या आप जानते हैं जब इज आरंभ के बाद या वाजवर के बाद या शैल विल हैव हैज के बाद जब कोई मेन वर्ब आता है तभी हम इज आरंभ को या वाजवर को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद करता है। लेकिन जब आपके वाक्य में इजारत के बाद या वाजवर के बाद कोई भी मेन वर्ब ना आया हो, यानी कोई एक ऐसा वर्ब ना आया हो जिसके फॉर्म होते हैं जैसे गो, वेंट, गॉन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो इस कंडीशन में इज आरंभ को हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते हैं, बल्कि इज आरंभ या वाजवर या हैव हैज या डूडज, इन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ लिंकिंग वर्ब है। यानी आप बात ऐसे समझ सकते हैं, जब इजारम के बाद या वाजवर के बाद कोई मेन वर्ब आए तो इजारम या वाजवर को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। लेकिन जब इजारम के बाद या वाजवर के बाद कोई भी मेन वर्ब ना आए तो इजारम और वाजवर को हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते हैं, उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ इज लिंकिंग वर्ब है। टैग बनाने के लिए आप इज को लास्ट में लिखें, और अगर ये सकारात्मक है तो आप इसको नेगेटिव कर लीजिए। उसके बाद इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको बाद में लिखना होगा। लेकिन यहाँ एक नाउन आया है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टैग में कभी भी नाउन नहीं लिखे जाते हैं, प्रोनाउन लिखिए या देयर का यूज करें। तो रेखा किसी लड़की का नाम है इसलिए हम लिखेंगे शी, और ये ट्रांसलेट हुआ वह पागल था ना, वह पागल था। सबसे पहला वाला का अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखिए ही, था का अंग्रेजी होगा वॉज, और पागल को कहते हैं मैड। अब रहा सवाल न का, तो न के लिए क्या करेंगे आप, आपको यहाँ जो लिंकिंग वर्ब दिख रहा है आप उसको लास्ट में लिखिए, और आपका पहला हिस्सा सकारात्मक है तो आप इसको नकारात्मक करें, फिर आप अपने सब्जेक्ट को बाद में लिखें, और यह ट्रांसलेट हुआ। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि यहाँ लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि वाज के बाद कोई भी वर्ब नहीं आया है। आइए इसको भी ट्रांसलेट करें। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे का अंग्रेजी यू, और पास है का अंग्रेजी होता है हैव, और पैसे का अंग्रेजी होता है मनी। इस तरह के सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप पार्ट 2 से लेकर 20 देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हैव हैज का यूज मैंने पार्ट 9 और 10 में भी बताया। तुम्हारे पास पैसे हैं, यू हैव मनी। आइए जरा देखें कि इसका टैग कैसे बनेगा। आपके वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो भी हो आप उसको बाद में लिखिए। अगर ये अफर्मेटिव है तो इधर वाले को नेगेटिव कर लीजिए, उसके बाद अपने सब्जेक्ट को लिखिए, और ये टैग बना।
आइए देखिए कि अगर पहला पार्ट नकारात्मक हो तो टैग कैसे बनेगा। तुम चावल नहीं खाते हो ना, चलिए इसका टैग बनाएं। तुम चावल नहीं खाते हो, यू डू नॉट, खाना का अंग्रेजी होता है ईट और चावल को कहते हैं राइस, यू डू नॉट ईट राइस। अब हम इसका टैग बनाएंगे। हो सकता है आप ये सोचिए कि कैसे ट्रांसलेट हुआ, तो आप पार्ट टू देखिएगा, वहां मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट को बड़े डिटेल से बताया। आज के इस वीडियो में मैं फोकस सिर्फ टैग पे कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां आपको टैग पढ़ाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियो जरूर देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ सके। अब हमें ना का अंग्रेजी लिखना है, क्या करें? इस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब लास्ट में लिखिए, उसके बाद अगर ये नेगेटिव है तो उधर वाला अफर्मेटिव होगा। तो ये नेगेटिव है, आप यहां नॉट देख सकते हैं, तो यहां पर आपको नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सब्जेक्ट को लिखिए, डू यू, यू डू नॉट ईट राइस, डू यू। यानी अगर पहला वाला हिस्सा सकारात्मक है तो दूसरा वाला नकारात्मक होगा, और अगर पहला वाला हिस्सा नकारात्मक है तो दूसरा वाला सकारात्मक होगा। आइए इसे भी ट्रांसलेट करते हैं। वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब हमें टैग का अंग्रेजी लिखना है, कैसे लिखें? इस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, आप उसे लिखिए। और ये नकारात्मक वाक्य है तो फिर ये वाला हिस्सा सकारात्मक होगा। और अब आप सब्जेक्ट लिखें, दे, पूरा वाक्य हुआ दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू दे। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहां मैंने दो सेंटेंसेस लिखा हुआ है और पहला अफर्मेटिव है और दूसरा नेगेटिव है। चलिए दोनों को एक साथ ट्रांसलेट करें ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ सके। वह धोखेबाज थी, इसका अंग्रेजी होगा सी वॉज चीटर। अब न के लिए आप क्या करेंगे? आपके वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो भी है आप उसे बाद में लिखिए, और अगर ये सकारात्मक है तो आप इसको नकारात्मक कर लीजिए, फिर आप सब्जेक्ट को बाद में लिखें। और टैग बन चुका है, सी वॉज चीटर, वॉज एंड सी। आइए इसे ट्रांसलेट करें। वह धोखेबाज नहीं थी ना, सी वॉज नॉट चीटर। वह धोखेबाज नहीं थी, सी वॉज नॉट चीटर। अब आपको टैग का अंग्रेजी लिखना है, कैसे लिखेंगे? आप अपने वाक्य का हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब दोनों में से एक जरूर होगा, जो भी है आप उसे लिखिए बाद में। और अगर ये वाक्य नकारात्मक है, जैसा कि है भी, आप यहां नॉट देख सकते हैं, अगर ये नकारात्मक है तो उधर वाला सकारात्मक होगा। यानी आपको यहां पर नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने पिछली बार किया था। पिछली बार आपने नॉट लिखा, क्यों? क्योंकि यह वाला हिस्सा सकारात्मक था, तो चूंकि ये नकारात्मक है तो आप सिर्फ वाज लिखिए और फिर अपना सब्जेक्ट लिखें। वह धोखेबाज नहीं थी ना, सी वॉज नॉट चीटर, वॉज सी। तो आप देख सकते हैं कि अगर पहला वाला हिस्सा सकारात्मक है तो दूसरा वाला नकारात्मक होगा, और अगर पहला वाला नकारात्मक है तो दूसरा वाला सकारात्मक होगा। आप चाय पीते हैं ना, चलिए हम इसका ट्रांसलेट करें। आप चाय पीते हैं, सबसे पहला वाला का अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, पीते हैं का अंग्रेजी होगा टेक। चाय पीने के लिए टेक का यूज किया जाता है और चाय को कहते हैं टी, और ये ट्रांसलेट हुआ। आइए अब न का अंग्रेजी लिखें। तो उस न का अंग्रेजी लिखने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, जो आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वाक्यों में जब हमारा वाक्य सकारात्मक रहता है तो उसमें डू या डज का यूज नहीं होता है, लेकिन जब हमें उसको नकारात्मक करना होता है तो हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। जैसे मैं आता हूँ, आई कम, मैं नहीं आता हूँ, आई डू नॉट कम या आई डोंट कम, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच। वह रोती है, सी वीप्स, वह नहीं रोती है, सी डजंट वीप। तो जब हम इसका नकारात्मक लिखेंगे तो न का अंग्रेजी लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे डोंट,
उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे। हर बार डोंट नहीं लिखा जाता, कई बार डजंट भी लिखा जाता है। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहता है तो हम डज का ही यूज करते हैं। यह बात मैंने आपको पार्ट 20 में बताया। उम्मीद है कि आप वो वीडियो देख चुके हैं तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये ट्रांसलेट हुआ, यू टेक टी डोंट यू। आइए इसे ट्रांसलेट करें। वह घर गई, वह का अंग्रेजी होगा शी और गई का अंग्रेजी होगा वेंट, और घर को कहते हैं होम, शी वेंट होम। अब हमें टैग लिखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस को जब हम नकारात्मक करते हैं तो डिड नॉट का यूज करते हैं। जैसे मैं पढ़ाया, आई टॉट, मैं नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच या आई डिडंट टीच। वह आई, सी केम, वह नहीं आई, सी डिडंट कम। मैंने देखा, आई सॉ, मैंने नहीं देखा, आई डिडंट सी। तो पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस जब नकारात्मक होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिडंट का यूज किया जाता है। तो इसका टैग बनाने के लिए हम लिखेंगे डिडंट, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और ये कंप्लीट हुआ। शी वेंट होम, डिडंट सी। आइए आपको यहाँ पर एक खास बात बताएं। जैसा कि आप अच्छा से जानते हैं कि गो या वेंट के बाद अक्सर टू लिखा जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, सी वेंट टू मार्केट, आई एम गोइंग टू हाउस। तो यहाँ मैंने वेंट के बाद टू क्यों नहीं लिखा? और यह भी सही बात है कि हमारा वाक्य करेक्ट है, यानी यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा। तो सवाल ये है कि क्यों नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में आप ये बात बताएं। मैं आपको अपने अगले वीडियो में इसका आंसर दूंगा कि आखिर वेंट के बाद जब होम आता है तो टू का यूज क्यों नहीं होता है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सब उसके दुश्मन हैं ना। चलिए इसको ट्रांसलेट करें क्योंकि यहाँ पर कुछ खास बात है आपको जानने के लिए। सब उसके दुश्मन है, एवरीबॉडी है यानी इज उसके दुश्मन, His enemy. Everybody is his enemy. अब हमको न का अंग्रेजी लिखना है। आप अपने वाक्य का लिंकिंग वर्ब लिखिए और ये अगर सकारात्मक है तो इसे आप नकारात्मक कर लीजिए। अब आपको यह खास बात ये जानना है कि अगर आपका सब्जेक्ट somebody या everybody या someone, everyone, no one, anyone या nobody, यानी अगर आपका सब्जेक्ट यह सभी शब्द हो तो टैग बनाते समय सब्जेक्ट ये सभी शब्द नहीं लिखे जाएंगे, बल्कि इनके जगह पर हम दे का यूज करेंगे। इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपका सब्जेक्ट हो तो आपको उसके लिए दे का यूज करना होगा। आइए इसे ट्रांसलेट करें। सब कुछ ठीक है, सब कुछ, एवरीथिंग इज, एवरीथिंग इज गुड। अब अगर आप इसका टैग बनाना चाहते हैं तो आप अपने हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो भी यहाँ पर आया हो आप उसको बाद में लिखिए, और अगर ये सकारात्मक है तो उसको नकारात्मक कीजिए। फिर आप अपना सब्जेक्ट लिखिए। तो अगर आपका सब्जेक्ट समथिंग, एनीथिंग, नथिंग या एवरीथिंग हो तो आप इन सभी शब्दों को अपना सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। इसके जगह पर आपको इट का यूज करना होगा, यानी अगर आपके सब्जेक्ट इनमें से कोई भी शब्द हो तो आप टैग में उनके बदले इट का यूज करें। आइए इस बात को एक बार और रिपीट करता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। अगर आपका सब्जेक्ट somebody, anybody, nobody, someone, anyone, no one हो तो आप इनके जगह पर दे का यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट समथिंग, एनीथिंग, नथिंग या एवरीथिंग हो तो आप इन सब के जगह पर इट का यूज करेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। आइए देखें कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टैग कैसे यूज करना है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टैग विल यू या वोंट यू लिखा जाता है। अगर आपके सेंटेंसेस नकारात्मक हो तो आप विल यू का यूज करेंगे। जैसे दरवाजा मत खोलो ना, पहले हम लिखेंगे दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। अब अगर आप इसका टैग बनाना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा विल यू, यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस अगर नकारात्मक है
तो टैग होता है विल यू। आइए देखें कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक होते हैं तो हमें टैग कैसे लिखना चाहिए। बहुत आसान है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक हो तो आप टैग के लिए विल यू या वोंट यू दोनों में से कोई लिख सकते हैं। जैसे दरवाजा खोलो ना, ओपन द डोर। अब आप टैग के लिए लिख सकते हैं विल यू, आप ये भी लिख सकते हैं वोंट यू। आप दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। ज्यादा अर्जेंसी दिखाने के लिए वोंट यू का यूज किया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। खाना खा लो ना, ईट फूड वोंट यू, ये भी कह सकते हैं ईट फूड विल यू। खाना मत खाओ ना, डोंट ईट फूड विल यू। वहां जाओ ना, गो देयर विल यू, आप ये भी कह सकते हैं वोंट यू। एक कार खरीद लो ना, बाय अ कार विल यू, ये भी कह सकते हैं बाय अ कार वोंट यू। मुझे जाने दो ना, और दूसरा है चलो खेले ना। अगर आपके वाक्य की शुरुआत लेट से होगा तो चलिए देखें टैग कैसे बनेगा। अगर लेट के बाद मी, हिम, हर, देम, इट यानी अस को छोड़कर कुछ भी रहे तो उसका टैग विल यू होगा। लेकिन अगर लेट के बाद अस आया है तो टैग शैल वी होगा। मुझे खेलने दो ना, लेट मी प्ले विल यू। मुझे जाने दो ना, लेट मी गो विल यू। उसे आने दो ना, लेट हिम कम विल यू। उसे पढ़ने दो ना, लेट हर रीड विल यू। उन्हें नाचने दो ना, लेट देम डांस विल यू। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वाकई वीडियो पसंद आया तो शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।